हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्या। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का क्वेश्चन करेंगे। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए टू डिजिट नंबर इज ऑब्टेन बाय आइदर मल्टीप्लाइंग द सम ऑफ द डिजिट बाय 8 एंड देन सब्ट्रैक्टिंग 5। पहले इतना ही पढ़ते हैं कि एक टू डिजिट की नंबर है वो हमें ऑब्टेन होती है इफ आइदर मल्टीप्लाइंग द सम ऑफ द डिजिट बाई 8, डिजिट के सम को 8 से मल्टीप्लाई करके और उसमें से 5 सब्ट्रैक्ट करके। तो टू डिजिट वाले क्वेश्चन में सबसे पहले हम ऐसे नंबर लेते हैं, मान लेते हैं यूनिट डिजिट को x और 10th डिजिट को y। तो नंबर हमारी हो गई 10y+x। 10th डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं प्लस यूनिट डिजिट, ठीक है। अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन बनाते हैं। वो कह रहा है ये नंबर हमें मिलती है अगर डिजिट के सम को यानी x+y को 8 से मल्टीप्लाई करें और उसमें से 5 सब्ट्रैक्ट करें। तो यहाँ से एक हमारी इक्वेशन बन जाएगी 8x 8y को, मैं लेफ्ट हैंड से ले आता हूँ, तो ये हो गया -7x+2y=-5। ये हमारी एक इक्वेशन बन गई। अब हम आगे पढ़ते हैं, और बाय मल्टीप्लाइंग द डिफरेंस बाय 16 एंड देन एडिंग 3। उसके बाद उसने बोला है कि जो दोनों नंबर हैं उनके डिफरेंस को 16 से मल्टीप्लाई करके उसमें से 3 सब्ट्रैक्ट करना है, ऐड करना है। अब यहाँ पे आपको एक बात बता दूं कि डिफरेंस में x-y हमने लिया है, तो हम यहाँ पे ये क्लियर नहीं है कि x-y लेना चाहिए या y-x। तो हमें यहाँ पे दूसरा केस भी यहाँ पे लेना पड़ेगा कि वो नंबर ऐसे भी मिल सकती है 16y-x, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि कौन सी डिजिट बड़ी है, यूनिट प्लेस वाली या टेंस प्लेस वाली। तो दो अलग अलग क्वेश्चन बनेंगी, 10y -16 है तो इधर आके +16y +x-16x=3। तो ये बन गया -15x+26y=3। ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन गई। एंड अगर अब यहाँ से आते हैं तो ये हो गया 10y+x-16y+16x=3। तो 17x-6y=3। एक एक करके हम सॉल्व करते हैं, पहले फर्स्ट को और सेकेंड को। अगर हम इन दोनों को करना चाहते हैं तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 26 है, तो मैंने इसको 13 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 13 7 जा 91x+26y-65। दूसरी इक्वेशन को हमने कुछ नहीं किया, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये कैंसिल हो गया। माइनस कितना आ गया, 76=68। तो यहाँ से जो हमारी एक्स की वैल्यू आ रही है वो फ्रैक्शन में आ रही है, लेकिन हमें जो डिजिट दिया है वो हमेशा नेचुरल नंबर होंगी, तो इसलिए हम यहाँ पे इसको रिजेक्ट कर रहे हैं। अब हम फर्स्ट को और थर्ड को करेंगे। तो फर्स्ट और थर्ड को करने के लिए इक्वेटिंग द कोफिशिएंट करना है, तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 6 है, तो मैं इसको 3 से इंटू कर देता हूँ। तो फर्स्ट इक्वेशन को 3 से इंटू करेंगे तो -21x+6y=-15, 17x+6y=, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, एक मिनट में यहाँ चेक कर लूँ। 3 से इंटू करिए 21+6-15 और यहाँ पे 10y-16y-6y और 17x-6y, सॉरी यहाँ पे -6y है, तो इसलिए हम यहाँ पे इसको ऐड करेंगे।
एडिंग करने पे दोनों कैंसिल हो गए, तो -4x इक्वल टू -12x की वैल्यू इन वन। एक्स की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में डाल देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है -7x+2y, तो -7x+2y इक्वल टू -5, तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेंगे 8। तो जो हमारी नंबर है वो कितने हो गई, हमने यूनिट डिजिट को माना था x, तो 3 टेंथ डिजिट 8, 83, ये हमारा आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन था एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का, उम्मीद है सभी क्वेश्चन में आ गया होगा। लीनियर इक्वेशन से टू वेरिएबल की जो वर्ड्स प्रॉब्लम है उनकी वीडियो में लगातार अभी चैनल पे डालूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।